सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी इस साल भी फरीज़ हज अदा नहीं कर सकेंगे। सऊदी शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को ही हज की इजाज़त दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 60,000 अफराद हज अदा कर सकेंगे। राहिल अली से बात करेंगे। राहिल, खबरें तो आ रही थी कि शायद इस साल इजाज़त दी जाएगी, लेकिन हतमी खबर अब यह है कि इस साल पाकिस्तानी फरीज़ हज अदा नहीं कर सकेंगे। जी, सऊदी हुकाम की जानिब से जो हज पॉलिसी है उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लोग हैं वो इस दफा फरीज़ हज जो है वो दोबारा इस साल भी अदा नहीं कर सकेंगे। पिछले साल भी कोरोना की वजह से जो है बड़े महदूद लोगों को जो है इजाजत दी गई थी, और उन्हीं लोगों को इजाजत दी गई थी जो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की थे या वो सऊदी शहरी थे। और इस दफा सुनने में यही आया था कि पहले सऊदी हुकाम की जानिब से कि ये वो अपनी जो है वो पॉलिसी नरम करेंगे और जो गैर मुल्कियों को भी महदूद पैमाने पर जो है वो दूसरे ममालिक से आने की इजाज़त दी जाएगी फिर हज के लिए, लेकिन अब पॉलिसी जो है वो वाजिया कर दी गई जिसमें पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को भी जो है वो इजाज़त नहीं की दी गई कि वो फिर हज जो अदा कर सकें। दीगर गैर जो ममालिक से लोग जो इस्लामिक कंट्री से जाते थे सऊदी अरब हज करने वो भी जो है वो नहीं जा सकेंगे। पॉलिसी के मुताबिक सऊदी अरब में बचने वाले गैर मुल्की हैं वो फ्रीज़ हज अदा कर सकते हैं, और वहाँ पर सऊदी शहरी जो है वो इस तरह फ्रीज़ हज अदा करेंगे। तहम उनकी तादाद भी तकरीबन 60,000 बताई जा रही है कि 60,000 के करीब लोगों को जो है वो हज करने की इजाज़त होगी, और जिन लोगों को हज की इजाज़त दी जाएगी उनको भी जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन उनके लिए भी जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। और इस वाले से बाकायदा तौर पर सऊदी वजारत हज की जाने से ये पॉलिसी जो है वो वाजिया कर दी गई है, और अब इस साल भी जो है वो लाखों की तादाद में जो पाकिस्तानी हर साल हज के लिए जाते थे वो इस दफा भी फ्रीज़ हज से जो है वो महरूम रहेंगे। जी राहिल, ये बताइएगा कि जो सऊदी अरब के अपने शहरी हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, और पिछले साल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो एजेड लोग थे उनको कम इजाज़त दी गई थी। जी, एजेड लोगों को अभी भी इजाज़त नहीं दी जा रही। वहाँ पर जो गैर मुल्की मुसलमान आबाद हैं उनको जो है वो इजाज़त दी जाएगी, और जो सऊदी शहरी हैं उनको जो है वो इजाज़त दी जाएगी, और उनके लिए क्राइटेरिया वो ये कि 60,000 उन्होंने टोटल जो है वो रखी है तादाद लोगों के जो फ्रीज़ हज अदा करेंगे, और उसमें जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको उम्र और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से जो है इजाज़त दी जाएगी। और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है कि जो शहरी वैक्सीनेशन करवाएगा उसी को जो है वो फ्रीज़ हज की इजाज़त दी जाएगी। तो ये पॉलिसी वाजिया कर दी गई है। अब इसमें तादाद जो है उसकी शरह जो है मुतय्यन की जा सकती है कि कितने सऊदी शहरी होंगे और कितने गैर मुल्की वहाँ पर बसने वाले मुसलमान जो हैं वो फ्रीज़ हज अदा करेंगे। तहम अब पॉलिसी वाजिया हो गई और पाकिस्तान समेत किसी भी दीगर इस्लामी ममालिक से जो है लोग फ्रीज़ हज के लिए नहीं जा सकेंगे। तो ये बताइएगा, अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम है, तो इस हवाले से कोई परसेंटेज सामने आई कि जो वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानी है उनमें से कितनों को इजाज़त होगी? अभी तो उन्होंने पॉलिसी वाजिया की, और उसके बाद अब क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मौजूद है तो फिर ये पॉलिसी वाजिया करी जाएगी कि उधर मौजूद पाकिस्तानियों को और दीगर जो इस्लामी ममालिक के लोग उधर रहते हैं उनकी कितनी शरह जो है वो हज के लिए अप्लाई कर सकती है, और सऊदी शहरी जो है वो कितनी तादाद में जो है वो अप्लाई करेंगे या वो ओपन रखते हैं जो पहले अप्लाई की बुनियाद पर जो है वो हज का जो है वो फ़ीज़ा अदा कर सकता है। तहम इस पर पॉलिसी मजीद आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो वाजिया हो जाएगी। अभी जो है वो एक जनरल पॉलिसी का ऐलान किया गया। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, एप्लीकेशन जिनकी जमा थी, पैसे जमा थे, तो उनके लिए अब क्या हुकूमत की पॉलिसी होगी? नहीं, वजारत हज की जानिब से अभी ये ऐलान ही नहीं किया गया था कि लोग जो है वो हज के लिए पैसे जो है वो जमा करें। वजारत हज की जानिब से पाकिस्तानी जो वजारत हज है उसकी जानिब से ये कहा गया था कि सऊदी जो अरब की पॉलिसी सामने आने के बाद जो है वो फिर हज की जो दरखास्त कुछ प्राइवेट लोग इस तरह प्राइवेट एजेंट्स हैं वो उन्होंने पैसे जमा किए थे, लोगों ने करवाए भी थे। जी, प्राइवेट तौर पर तो लोग पहले अपनी सीटें जो है वो रिजर्व करवा लेते हैं, और आपको पता है कि प्राइवेट तौर पे तो आप जब हज के आखिरी दिनों में भी जिनके पास पैसे होते हैं वो जा सकते हैं, तो प्राइवेट लोगों ने अभी अपने तौर पे ये अंदाजा उनका था कि शायद सऊदी हुकूमत जो है वो इजाज़त देती है। आपने तफसील अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।